भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। BTB में नगर परिषद का स्वच्छता अभियान शुरू। नगर परिषद उठा रही BTB का कचरा। व्यापारियों में खुशी का माहौल। भंडारा के BTB मार्केट में नगर परिषद का स्वच्छता अभियान शुरू हो गया है। भंडारा नगर परिषद के मुख्याधिकारी विनोद जाधव के आदेश के बाद सब्जी मंडी में नगर परिषद के कर्मचारी ट्रैक्टर द्वारा BTB का सब्जी भाजी का कचरा साफ करते और ट्रैक्टर में भरकर उसे डंपिंग ग्राउंड में फेंका जा रहा है, जिससे अब BTB में गंदगी नहीं होगी, साथ ही किसी भी प्रकार की बीमारियों का खतरा भी नहीं रहेगा, जिसके कारण अब व्यापारियों में खुशी का माहौल देखने मिल रहा है। व्यापारियों ने नगर परिषद का शुक्रिया अदा किया है। मैं रिहान खलील सिंह से, यहाँ रोज नगर परिषद की गाड़ी आ रही है, साफ सफाई हो रही है, नगर परिषद कचरा लेके जा रही है। नगर परिषद का आभार। मुझे नाम है धनपाल इस्तारी खंडे। नगर पालिका की गाड़ी आलेली आहे आणि कचरा जो आहे आम्ही बाहेर फेकत होतो इकडे तिकडे, आता नगर पालिका ट्रॅक्टर आलेला आहे, त्या ट्रॅक्टर मध्ये आम्ही कचरा फेकतो। नगर परिषदचा धन्यवाद। मेरा नाम महेंद्र मेंढे, माननीय अखर मुख्याधिकारी नगर परिषद भंडारा, इनका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। आज तक के हमारे मार्केट में गंदगी का बहुत बड़ा प्रमाण होता था और आज नगर परिषद ने नगर से ट्रैक्टर भेज के साफ सफाई अभियान जारी किए और यहाँ की जो गंदगी होती थी शहर में, वो गंदगी दूर हो रही है और सभी पूरा शहर साफ सुथरा हो रहा है। और नगर परिषद ने मार्केट में ट्रैक्टर भेजा, इसका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। नौ वर्ष से रेगुलर BTB मार्केट में पैसे लिए जाते थे नगर परिषद के नाम पे। आज नगर परिषद ने सिद्ध कर दिया है कि हम कोई पैसे नहीं लेते थे और नगर परिषद ने यहाँ ट्रैक्टर भेज के बिना पैसे से यहाँ के व्यापारी को राहत दिलाई। मैं नगर परिषद का तहे दिल से, मेरे व्यापारियों की तरफ से तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। T20 क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने वाले 8 आरोपियों पर तुमसर के उपविभागीय पुलिस अधिकारी ने पेट्रोलिंग के दौरान रात में कार्रवाई की। इन सभी पर तुमसर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों में तुमसर के दुर्गा नगर निवासी प्रशांत प्रकाश लांजेवार, उम्र 28 वर्ष, तुमसर निवासी बुरिया उर्फ सुनील बिस्ने, बाल्या बिस्ने, तामसवाड़ी रोड निवासी आनंद रागड़वार, मलेवार मोहल्ला तुमसर निवासी कृषु साखरवाड़े, राहुल पांडे, चेतन सार्वे का समावेश। 12 दिसंबर की रात भारत व दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे क्रिकेट मैच पर कुछ बदमाश लोगों से पैसे लेकर जुआ खेल रहे थे। रात के समय पेट्रोलिंग कर रही उपविभागीय पुलिस अधिकारी रश्मिता राव को इसकी जानकारी मिलने पर टीम के साथ मिलकर छापा मारा। पकड़े गए युवकों के मोबाइल की जांच कर प्रिंट निकाल कर पंचनामा की कार्रवाई पूर्ण की गई। आरोपियों के खिलाफ धारा 12 मजूका उपधारा 109 भादवी के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले में पुलिस उपनिरीक्षक विजय पंचबुद्धे की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया गया। मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक किरण अवताड़े कर रहे। तुमसर शहर में गत अनेक दिनों से क्रिकेट पर सट्टा चलाए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके लिए गोंदिया, नागपुर तथा रायपुर से जुड़ी होने की जानकारी मिली है। इस पर शहर के कई युवा बेटिंग कर भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं।
शिवसेना शिंदे गुट के मुख्य नेता एवं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश के अनुसार शिवसेना पार्टी के लोकसभा संपर्क प्रमुख पद पर विधायक नरेंद्र भुंडेकर की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनके नागपुर के निवास स्थान में विधायक भुंडेकर को स्वयं नियुक्ति पत्र सौंप कर मुख्यमंत्री ने भुंडेकर पर पार्टी को बढ़ाने का जिम्मा सौंपा। आगामी 2024 के चुनाव को ध्यान में लेकर शिवसेना शिंदे गुट द्वारा भंडारा गोंदिया लोकसभा को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इस क्षेत्र में शिवसेना पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं, जिसके लिए नरेंद्र भुंडेकर को यह जिम्मेदारी दी गई है। इस नियुक्ति के बाद विधायक भुंडेकर ने कहा कि पार्टी ने उन पर विश्वास रखकर दी गई जिम्मेदारी को संभालना उनका कर्तव्य है और वह पार्टी को बढ़ाने के लिए पूर्ण निष्ठा से प्रयास करेंगे। इसके लिए उन्होंने पार्टी के अन्य पदाधिकारियों से सहकार्य मिलने की आशा व्यक्त कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आभार माना। भंडारा तुमसर मार्ग पर खापा गांव के पास डामर मिक्स प्लांट है। इस स्थान पर डामर मिलाकर सड़क बनाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन डामर मिलाते समय इस कंपनी से काला धुआं निकलकर आसपास की हवा में फैल रहा है। हालांकि हाल के दिनों में वायु प्रदूषण उत्सर्जन में वृद्धि हुई है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसे नजरअंदाज करता नजर आ रहा है। इस धुएं से नागरिकों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रदूषण विभाग खामोश है। तो अब सवाल उठता है कि इस मिक्स प्लांट पर नियंत्रण कौन करेगा। गोंदिया जिले में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अज्ञातों की ओर से अंजाम दिया जा रहा है, जिससे वाहन मालिक सहित पुलिस भी परेशान है। जिसे देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण पाने पुलिस दल तैनात कर आरोपियों को धर दबोचने के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने 8 मोटरसाइकिल चोरी के मामले में 2 आरोपियों को मोटरसाइकिलों सहित गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम लक्ष्मीनगर निवासी आकाश पवार उम्र 27 वर्ष व गौतम नगर निवासी अजय तेलंग उम्र 32 वर्ष बताया गया है। दोनों आरोपियों ने गोंदिया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आदि स्थानों से 470,000 की मोटरसाइकिल चुराई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मोटरसाइकिल वाहन के साथ गिरफ्तार किया है। स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक दिनेश लबड़े ने अपराध शाखा के पुलिस अधिकारी व अमलदार को सूचना देकर मामलों का पर्दाफाश करने के निर्देश दिए। अपराध शाखा की टीम द्वारा जिले के विविध पुलिस थानों में दर्ज मोटरसाइकिल चोरी व माल संबंधित जानकारी लेकर मामले को उजागर करने के प्रयास शुरू कर दिए थे। अपराध शाखा की टीम जब आरोपियों की जानकारी जुटा रहे थे, तब गुप्त सूत्रों से पता चला कि आरोपी मोटरसाइकिल चोरी के मामले में लिप्त है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी की घटना को कबूल किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों से चोरी की 8 मोटरसाइकिल को जब्त कर उन्हें गिरफ्तार किया। 8 मोटरसाइकिल में से 1 मोटरसाइकिल चोरी का मामला शहर थाने में दर्ज होने से दोनों आरोपियों को मोटरसाइकिल के साथ शहर पुलिस को सौंप दिया गया। पिछले 3.5 वर्ष पूर्व पिता को मारपीट से बचाने गए बेटे की उंगली काटने के मामले में विगत 13 दिसंबर को लखनदुर कोर्ट ने 1 वर्ष के जेल सहित 1,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि उक्त फैसला आए एक दिन नहीं बीता कि अन्य एक घटना में पति एवं बेटे को मारपीट से बचाने सहित झगड़ा छुड़ाने गए एक महिला के हाथ की उंगली काटने की घटना सामने आई है। उक्त घटना पिछले 5 दिसंबर को रात 10 बजे के दौरान स्थानीय लखनदुर में सामने आई है। इस घटना में लखनदुर के वार्ड क्रमांक 12 निवास सीमा दिलीप नहाले उम्र 45 वर्ष नामक पीड़ित महिला की शिकायत एवं स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कुल 1 सप्ताह बाद 13 दिसंबर को लखनदुर के वार्ड क्रमांक 12 निवासी संतोष विठल नहाले उम्र 38 वर्ष व विठल महादेव नहाले उम्र 67 वर्ष नामक आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना के पीड़ित महिला के परिजनों ने स्वयं के निवासी मकान परिसर में मकान के निर्माण में उपयोगी कुछ ईंट व गिट्टी थी। हालांकि उक्त सामग्री से आवागमन के मार्ग में बाधाएं निर्माण होने का आरोप कर घटना के आरोपियों ने पीड़िता के पति सहित बेटे से झगड़ा एवं मारपीट शुरू की। इस दौरान आरोपियों के मारपीट से पति एवं बेटे को बचाने सहित झगड़ा मिटाने के पीड़िता के हाथ के उंगली को घटना के विठल नहाले नामक आरोपी ने काटकर जख्मी किया। हालांकि उंगली को काटने से जख्मी महिला को इलाज के लिए तुरंत लखनदुर के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कर पुलिस में शिकायत की गई। इसी बीच स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं शिकायत के आधार पर पुलिस ने घटना के दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
1 जनवरी 2016 के अधिकारी कर्मचारियों की अवकाश की राशि 6वें वेतन आयोग के अनुसार दी जाती है। इस राशि को 7वें वेतन आयोग के अनुसार देने की मुख्य मांग की गई। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कर्मचारी कल्याणकारी एसोसिएशन भंडारा के पदाधिकारियों द्वारा अपनी विविध मांगों को विधानसभा में उठाने की गुहार लगाते हुए विधायक बच्चू कड़ू को ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी व कर्मियों द्वारा 15 दिसंबर को नागपुर विधान भवन पर मोर्चे का आयोजन किया है। विभिन्न मांगों में 1 जनवरी 2016 के अधिकारी कर्मचारियों की अवकाश की राशि 6वें वेतन आयोग के अनुसार दी जाती है। इस राशि को 7वें वेतन आयोग के अनुसार दिया जाए। सेवानिवृत्त कर्मचारियों स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिया जाए। आश्वासित प्रगति योजना का लाभ दिया जाए। पुलिस कर्मचारियों के पालियों का पुलिस भर्ती के समय 10% आरक्षण दिया जाए। पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को अन्य विभागों की तरह अवकाश दिया जाए। अन्य विभागों की तुलना में पुलिस कर्मचारी वर्ष में 75 से 180 दिन अधिक काम करते हैं, इसलिए उन्हें इसका मुआवजा दिया जाए आदि मांगों का समावेश था। इस समय विधायक बच्चू कड़ू को ज्ञापन सौंपते समय सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी कल्याणकारी एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष पुंडलिक निखाड़े, भंडारा तहसील अध्यक्ष माणिक घोड़ीचोर ईश्वर शेंडे तथा प्रहार संगठन के भंडारा जिलाध्यक्ष अंकुश वंजारी व अन्य सदस्य उपस्थित थे। अपने भाई को बुलाने गई 7 साल की बच्ची से अश्लील हरकतें करने वाले आरोपी को विशेष सत्र न्यायालय ने 5 साल का सश्रम कारावास और ₹5,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सुनवाई जिला न्यायाधीश व विशेष सत्र न्यायाधीश के द्वारा की गई। आरोपी का नाम आमगांव निवासी अशोक नंदेश्वर, उम्र 40 वर्ष बताया गया है। आरोपी ने 8 अक्टूबर 2019 को दोपहर करीब 2 बजे पीड़िता की माँ ने उसके भाई को बुलाने के लिए भेजा। जब 7 साल की बच्ची बुलाने गई, तो आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता ने अपनी मां को बताया तो उसकी मां ने आमगांव पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आमगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच सहायक पुलिस निरीक्षक संजय सिंह ने की इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित करने पीड़ित पक्ष की ओर से सहायक सरकारी वकील वसंत कुमार चूटे ने अदालत में समक्ष कुल 5 गवाहों की गवाही दर्ज कराई और आरोपी को अधिकतम सजा देने की अपील की। आरोपी के वकील और सरकारी वकील की विस्तृत दलीलों के बाद जिला न्यायाधीश व विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपी के खिलाफ सरकारी पक्ष के साक्ष्य और सरकारी वकीलों द्वारा दी गई दलीलों को स्वीकार कर आरोपी अशोक नंदेश्वर, उम्र 40 वर्ष को सजा सुनाई। न्यायालयीन कार्रवाई पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले के मार्गदर्शन में सिपाही गजानन चौधरी द्वारा की गई। प्रेम संबंध में बाधा बन रहे पति की उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी की मदद से गला घोट कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं तो साक्ष्य मिटाने की नियत से पति के शव को जंगल परिसर के नाले में ले जाकर फेंक दिया। मृत पति का नाम गणेशवाड साकुली निवासी आदेश मदन राउत, उम्र 38 वर्ष है। यह घटना बुधवार 13 दिसंबर को सुबह के समय अडाल थाना क्षेत्र के माड़ी जंगल परिसर में हुई। इस मामले में मृतक आदेश राउत की मां सारिका मदन राउत की शिकायत पर अडाल पुलिस ने आदेश की पत्नी ज्योति राउत, उम्र 35 वर्ष और उसके प्रेमी अम्बेडकर वार्ड पौनी निवासी विक्की नथु करकले, उम्र 36 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसमें विक्की को गिरफ्तार कर लिया गया है। आदेश राउत की पत्नी ज्योति का विक्की करकले के साथ अफेयर था। आदेश उनके प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहा था। नतीजा ये हुआ कि ज्योति और उसके प्रेमी विक्की ने पहले आदेश का कांटा निकालने की नीयत से उसका गला घोटने की साजिश रची, फिर प्रमाण नष्ट करने के इरादे से अडाल पुलिस थाने की सीमा के तहत तिर्री के पास मार्गी जंगल के नाले में फेंक दिया गया। पुलिस स्टेशन अड्डा हद्दीतील तिरी जंगल परिसरात आदेश मदन राऊत, राणा साकोली याचा मृतदेह मिळून आला होता। त्या अनुषंगाने आदेश मदन राऊत याची आई सारिका मदन राऊत यांनी पोलीस स्टेशन अड्डा येथे येऊन मृतकची पत्नी व विकी करकळे, राणार साकोली या दोघांनी त्यांच्या प्रेम संबंधात आदेश मदन राऊत हे अडसर ठरत असल्याच्या कारणावरून गळा आवळून ठार मारल्याची पोलीस तक्रार दिल्याने पोलीस स्टेशन आड्याळ येथे कलम 302 भादवी अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। सदर प्रकरणात आरोपीला ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे। पुढील कारवाई सुरू आहे। आधी रात के करीब पुलिस ने अवैध रूप से रेत परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर को रंगे हाथ पकड़ने की घटना 15 दिसंबर की रात करीब 1 बजे स्थानीय लाखांडो से वर्षा स्थानीय राजमार्ग पर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सामने घटी। इस घटना में लाखांडो पुलिस ने अवैध रेत परिवहन करने वाले को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसमें ट्रैक्टर चालक चपराड निवासी अमित क्षीरसागर जांबुलकर, उम्र 33 वर्ष और ट्रैक्टर मालिक चपराड निवासी कैलाश कारूजी खेड़कर, उम्र 36 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया।
SBS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। गणेश ठाकरे नामक आरोपी को अंगूठा काटकर जख्मी करने के मामले में 1 वर्ष के जेल सहित 1,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि अन्य एक आरोपी को कोर्ट ने इस मामले से निर्दोष मुक्त किया है। बाइक लापरवाही चलाए जाने के कारण हुई दुर्घटना में 2 युवक घायल होने की घटना देवहाड़ी फ्लाईओवर पर घटी। तिरोड़ा निवासी योगेश छत्रपाल डोंगरे उम्र 31 वर्ष अपने दोस्त अरविंद गणपत गेटाम उम्र 33 वर्ष के साथ बिना नंबर बाइक पर यात्रा कर रहे थे। तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। प्रेम संबंध में बाधा बन रहे पति की उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी की मदद से गला घोटकर हत्या कर दी। मृत पति का नाम साकोली निवासी आदेश मदन राउत उम्र 38 वर्ष है। मृतक की मां की शिकायत पर अडाल पुलिस ने आदेश की पत्नी ज्योति राउत और उसके प्रेमी विक्की नथु करकले उम्र 36 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। देवरी तहसील ग्राम बड़ेगांव में 2 युवक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए, जिसमें बड़ेगांव निवासी कुणाल रामेश्वर देसाई उम्र 23 वर्ष व ग्राम मुल्ला निवासी वैभव चंद्र कुमार नागदेवे उम्र 22 वर्ष का समावेश है। घायलों को गोंदिया के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में भर्ती किया गया है। रेत चुरा रहे ट्रैक्टर पर पुलिस ने कार्रवाई कर पुलिस ने रेत से भरे ट्रैक्टर समेत 5,04,000 रुपयों का माल जब्त किया। इस मामले में कादा पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू है। समीपस्थ ग्राम दाभा के कंपनी के सामने खड़ा ट्रक अज्ञात चोर चुरा कर ले गया। इस मामले में वाठी पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। नशा मुक्ति केंद्र से भागे एक युवक की 4 लोगों ने बेरहमी से पिटाई करने की घटना खातरोड परिसर में घटी। अनिकेत बताए गए काम नहीं मानने पर पीयूष ठाउरे विपिन पंच भाई सुशील व शुभम ने व्यक्ति की पिटाई की। भंडारा पुलिस ने शिकायत पर चारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।